जॉन स्टुअर्ट मिल या जे एस मिल। बेंथम के बाद हम जिस विचारक को पढ़ते हैं वो जे एस मिल को पढ़ते हैं, क्योंकि उपयोगितावादी विचारकों में दो विचारकों के नाम मुख्य रूप से आते हैं, जर्मी बेंथम और जे एस मिल। हालांकि दोनों के विचारों में काफ़ी भिन्नता है, क्योंकि उपयोगितावाद का जो सिद्धांत बेंथम ने दिया था, जे एस मिल ने उसको पूरी तरह से फॉलो नहीं किया, काफ़ी हद तक उसको माना था, लेकिन उसको काफ़ी बदलाव किए थे, खासकर जिनकी कठोर आलोचना हुई जिन आधारों पर उपयोगितावाद की, तो उन आधारों को उनमें इसने काफ़ी बदलाव किए, काफ़ी चेंज किए। सुख दुख का जो मापने का पैमाना दिया था उसमें चेंज किया, या सुख दुख की जो क्वालिटी की, सिर्फ क्वांटिटी नहीं है क्वालिटी की भी जो बात थी वो इसने जोड़ी। तो एक तो उपयोगितावाद को लेकर इनके विचारों का महत्व है कि उपयोगितावाद नाम से एक किताब भी लिखी थी इसने, और उपयोगितावाद में उसने कुछ बदलाव भी किए थे, और इसके अलावा डेमोक्रेसी पर भी अपने विचार, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट पर भी अपने विचार दिए, स्टेट पर भी दिए, और सबसे महत्वपूर्ण जो विचार जे एस मिल के जिसके लिए जाना जाता है वो इसके लिबर्टी से संबंधित विचार थे। इसने स्वतंत्रता को बहुत महत्व दिया था, और स्वतंत्रता के विचार पर अपने जो राय दी थी एक मौलिक आइडियाज थे जिसका आज भी बहुत महत्व माना जाता है। तो मुख्य रूप से दो बातें जे एस मिल की जो हम डिस्कस करते हैं, एक तो उपयोगितावाद में उसने क्या संशोधन किए थे, क्या अमेंडमेंट किए थे, और दूसरा जो उसने क्या बदलाव ना लिबर्टी के बारे में उसके क्या विचार थे। इसके अलावा हम रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट और स्टेट के बारे में भी उसके विचारों को जानेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि एक इसको बोला जाता है लास्ट ऑफ द यूटिलिटेरियन एंड द फॉरमोस्ट ऑफ द इंडिविजुअलिस्ट, यानी कि एक अंतिम उपयोगितावादी और पहला व्यक्तिवादी विचारक था, और मुख्य रूप से यूटिलिटेरियन फिलोसफी जो बेंथम की थी उसे प्रभावित है। इसके पिता जो जेम्स मिल थे वो जर्मी बेंथम के साथी थे, उनके वो भी उपयोगितावादी थे, तो अपने पिता के विचारों से भी और बेंथम के विचारों से भी काफ़ी प्रभावित था। 16 साल की उम्र में उसने यूटिलिटेरियन सोसाइटी की स्थापना की। उनकी पत्नी मिसिस टेलर का इनके विचारों में, इनके विचार बनाने में, इनके सभी आइडियाज में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है, ये मिल ने बात इसको खुद स्वीकार की है। इनका जन्म 21 मई 1806 को लंदन में हुआ था, और 1873 को इनकी मृत्यु हुई थी। मेजर जो काम है इनके, एक तो ऑन लिबर्टी या एसे ऑन लिबर्टी बोल देते हैं या ऑन लिबर्टी बोल देते हैं, जो इसकी सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक मानी जाती है, सबसे महत्वपूर्ण वर्क जो माना जाता है जे एस मिल का। इसके अलावा रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट यूटिलिटेरियनिज्म के नाम से भी किताब लिखी इन्होंने, पार्लियामेंटरी रिफॉर्म जिनकी बात बेंथम की बहुत करता था उन्हीं को इसने भी आगे बढ़ाया, और सब्जेक्शन टू वुमेन, इसने महिलाओं के अधिकारों की बात भी बहुत ज़्यादा की थी, और महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार देने की इसने एक ज़बरदस्त वकालत की थी। यूटिलिटेरियन के बारे में वही देख लेते हैं, हम उपयोगितावाद को तो पढ़ चुके हैं कि उपयोगितावाद क्या कहता है, कि सुख दुख को मापा जा सकता है, और अधिकतम द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस और द ग्रेटेस्ट नंबर की बात वो करता है, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुख देना, और सुख के की कोई क्वालिटी नहीं है सिर्फ क्वांटिटी है, उनको आसानी से मापा जा सकता है, मैथमेटिकल वे में भी उसको काउंट किया जा सकता है। यदि किसी को एक लिटरेचर पढ़ने में और या फिर कोई छोटा मोटा कोई तुच्छ सा काम करने में अगर बराबर सुख मिलता तो दोनों बराबर हैं, इस तरह से कंपेयर किया था। लेकिन बाद में जैसे मिलने फिर उनमें काफ़ी चीज़ों में संशोधन किया जो हम देखते हैं। तो पेन एंड प्लेजर आर डेफर्ड नॉट ओनली इन क्वान्टिटी बट ऑल्टो इन इक्वलिटी, इक्वलिटी ये गलत शब्द लिखा है, यहाँ पर क्वालिटी शब्द आना चाहिए था। तो क्वालिटी इसने कहा कि सुख और दुख जो हैं वो सिर्फ क्वांटिटी में नहीं, सिर्फ उनकी मात्रात्मक उनका मूल्यांकन नहीं करना चाहिए, बल्कि गुणात्मक उनकी क्वालिटी भी देखनी चाहिए कि क्या क्वालिटी उनकी हो सकती है। क्वालिटी के आधार पर भी, चाहे वो थोड़ी भी हो लेकिन अच्छी क्वालिटी है तो उनको महत्व तो दिया जाना चाहिए। कुछ एक स्टेटमेंट महत्वपूर्ण है जे एस मिल की, जैसे उन्होंने कहा, इट इज़ बेटर टू बी ह्यूमन बींग डिससेटिस्फाइड देन ए पिग सेटिस्फाइड, यानी कि उसने कहा है कि एक आदमी, एक सुअर जो सेटिस्फाई है तो ज़्यादा सुखी है, लेकिन एक इंसान वो सेटिस्फाई नहीं है,
तो इसका मतलब ये नहीं है कि शोर की जिंदगी ज्यादा बेहतर है और शोर ही बनना चाहिए, बल्कि उसने कहा कि आदमी, लेकिन क्वालिटी देखो, एक इंसान है, इंसान का रूप सबसे बेहतर माना जाता है सभी जीवों में, तो इंसान के रूप में चाहे वो सेटिस्फाई भी नहीं है लेकिन वो बेहतर है। उसके अलावा दूसरी बात उसने कही, बेटर टू बी सोक्रेट डिससेटिस्फाइड देन ए फुल सेटिस्फाइड, यदि आप एक मूर्ख हो लेकिन सेटिस्फाइड हो, और दूसरी तरफ आप सुकरात की तरह विद्वान हो लेकिन अनसेटिस्फाइड हो, तो वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और दूसरी तरफ यदि एम्बेंथम को देखें तो वो दूसरी बातें कहेगा, वो कहेगा कि अगर फूल, कोई मूर्ख व्यक्ति सेटिस्फाइड है, उसको सुख मिलता तो वो बेहतर है उसके लिए, उसको फिर बुद्धिमान होने की जरूरत नहीं है, वो फिर उसी में खुश है तो वो बेहतर चीज़ है उसके लिए। लेकिन जेएस मिल ने इस बात को नहीं स्वीकार किया, उसने कहा कि क्वालिटी बहुत महत्वपूर्ण है, कि आप सुख आपको किस चीज़ में मिल रहा है वो जानना भी बहुत ज़रूरी है। वो बेंथम से इस बात से भी एग्री नहीं था कि सुख और दुख जो है वो ओनली मोटिव है, क्योंकि बेंथम ने तो ये कहा था कि आदमी सिर्फ एक ही बात माइंड में रखे, सिर्फ दो ही बातें माइंड में रखे चलता हो, क्या कि अपने दुखों को कम से कम करना और अपने सुख को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना है। सिर्फ इसी उद्देश्य से, सिर्फ इसी बात को माइंड में रखे, इसी टारगेट को सामने रख करो कोई भी डिसीजन लेता, कोई भी काम करता। जबकि जेएस मिल ने कहा कि ऐसी बात नहीं है, आदमी सुख दुख के अलावा और भी बहुत चीज़ों से प्रेरित होता है, देशभक्ति, देशभगत जो होता है वो देश के लिए अपनी जान न्योछावर कर देता है, या कोई दूसरे व्यक्ति की भलाई करने में अपनी जान जोखिम में डाल देता है, तो वहाँ पर उसको दुख ज़्यादा मिलता है लेकिन उसको मानसिक खुशी मिलती है। तो सिर्फ अपने ये सुख दुख को ही काउंट करके वो सारे डिसीजन नहीं लेता, कई उसकी समाज में लाइबिलिटीज होते हैं, माता पिता के प्रति, परिवार के प्रति, तो उनके लिए वो दुख उठाता है, उन भावनाओं से जो सामाजिक जो मूल्य होते हैं, जो सोशल वैल्यूज होते हैं, उनसे प्रभावित होकर वो दुखों को उठाने को तैयार हो जाता है। तो उसने कहा सिर्फ सुख दुख से भी परे व्यक्ति सोचता है। फिर उसने कहा कि इंडिविजुअल एक्टर जो हैं, वो एक्टर के अंदर जो इंडिविजुअल है वो बाहर से नहीं आती, उसके अंदर से आती है, उसके अंदर से भावनाएं जो होती हैं, ये नहीं कि बाहर से उसको कुछ चीज़ मिल गई, कोई खाने में मिल गई या कोई आरामदायक चीज़ मिल गई तो उससे उसको खुशी होती है, खुशी अंदर से आती है, जब उसका मन खुश होता है, जैसे कोई आदमी देश के लिए अपनी जान न्योछावर करे तो उसके अंदर से खुशी होती है कि उसने देश के लिए कुछ काम किया है। तो ये बात उसने संशोधन किया मिल ने। इसके अलावा जो सेल्फ इंटरेस्ट और जनरल हैप्पीनेस का जो गैप था उसको उसने मिटा दिया। उसने ये कहा कि ये दोनों अलग अलग चीज़ें नहीं, एक दूसरे कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है, बल्कि आम खुशी जो आएगी जनरल हैप्पीनेस सभी में, वो सेल्फ इंटरेस्ट यानी कि अपना जो अपने इंटरेस्ट में कोई काम करता तो जरूर नहीं है कि दूसरे के विरोध में हो, उससे जनरल हैप्पीनेस आती है। एक दूसरा फिर उसने कहा कि लिबर्टी को उसने बहुत महत्व दिया, स्वतंत्रता को बहुत महत्व दिया। उसने कहा कि यूटिलिटी का जो प्रिंसिपल है उसको प्राप्त करने के लिए भी लिबर्टी बहुत ज़रूरी है, हालांकि उसने लिबर्टी को कोई महत्व नहीं दिया था बेंथम ने, बेंथम ने सिर्फ यूटिलिटी को महत्व दिया था। अगर आपकी स्वतंत्रता कम होती है लेकिन उससे आपको फायदा होता है, यूटिलिटी मिलती है, तो आप वो स्वतंत्रता की कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन मिल ने ऐसा नहीं कहा, मिल के लिए स्वतंत्रता बहुत महत्वपूर्ण थी। उसने माइनॉरिटीज के राइट को प्रोटेक्ट किया मिल ने, तो बेंथम ने तो क्या कह दिया था कि ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस टू द ग्रेटेस्ट नंबर, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा सुख, जो फिर थोड़े से बच गए, ज़्यादा ज़्यादा ले लिया आपने 100 में से 90 व्यक्तियों की हित की बात कर ली, लेकिन बाकी जो 10 बच गए उनका क्या होगा, उनके लिए उसने कोई अधिकार नहीं दिया, उनके लिए कह दिया उनकी ज़िंदगी किसी भी तरह से, उनके बारे में उसने बिल्कुल नहीं सोचा कुछ भी। तो माइनॉरिटीज एक किस्म से वो जो मिनिमम लोग बच गए उनके हितों का क्या होगा, क्या उनको जीने का अधिकार नहीं है, क्या उनको खुशी पाने का अधिकार नहीं है। तो यहाँ पर मिल ये कहता है कि उस माइनॉरिटीज को भी अधिकार मिलने चाहिए, उसको भी खुशी मिलनी चाहिए। इस अगला पब्लिक वोटिंग की बात करता है। पब्लिक वोटिंग का मतलब जो है वो वोटिंग गुप्त मतदान नहीं होना चाहिए, बल्कि मतदान खुले रूप से होना चाहिए, पता चलना चाहिए किसने किसकी वोट डाली। हालांकि आजकल ज़्यादातर डेमोक्रेसी में इस तरह खुले मतदान का समर्थन नहीं किया जाता, क्योंकि उनको माना जाता है इससे फिर कैंडिडेट डराता धमकाता है। स्पेशल ट्रीटमेंट टू वुमेन, और महिलाओं को विशेष ट्रीटमेंट देता है, उनको कहता है उनको सारे कामों में बराबर के अधिकार मिलने चाहिए, बराबर के पद मिलने चाहिए। बाइकैमरल लेजिस्लेचर की बात करता है, यानी कि द्वि सदनीय जो है विधायिका की बात करता है कि 2 सदन होने चाहिए, जैसे हमारे यहाँ भी है लोकसभा और राज्यसभा। अब लिबर्टी की बात आती है,
ग्रेट चैंपियन माना जाता है इंडिविजुअल लिबर्टी का। उसने यहाँ पर मनुष्य के एक्शंस को दो हिस्सों में बांटा है, सेल्फ रिगार्डिंग और अदर रिगार्डिंग एक्शन। सेल्फ रिगार्डिंग जिनका प्रभाव उनके खुद पर पड़ेगा, अदर रिगार्डिंग में उनका प्रभाव दूसरे पर भी पड़ेगा। तो सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन में तो एब्सोल्यूट फ्रीडम देता है वो, कि अगर खुद का बात सेल्फ रिगार्डिंग है तो उसमें उस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाने चाहिए। यहाँ पर हालांकि कई तरह की आलोचना होती है कि क्या कोई सुसाइड करना चाहे तो क्या उसको सुसाइड करने देना चाहिए। तो यहाँ पर भी मिल का सिर्फ इतना ही कहना है कि उसको समझाया जा सकता है अभी ये कदम गलत है या जिस रास्ते पर जा रहे हो जोखिम भरा है, लेकिन उसके बाद फैसला उसको खुद ही लेना है। तो सेल्फ रिगार्डिंग में वो ज़्यादा स्वतंत्रता देना चाहता है, पूरी स्वतंत्रता देना चाहता है। और इसमें भी जो एक्सप्रेशन की फ्रीडम है, फील्ड ऑफ एक्सप्रेशन यानी कि विचारों की अभिव्यक्ति, इसको बहुत ज़्यादा महत्व देता हो कि विचार चाहे किसी व्यक्ति के कितने भी गलत हों उनको बिल्कुल नहीं रोकना चाहिए। और दूसरा यहाँ पर वो कहता है कि जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर जो प्रतिबंध लगाता है वो सरकार की तरफ से ही नहीं बल्कि सोसाइटी की तरफ से ही बहुत प्रतिबंध लगते हैं। जनता उनका विरोध करती है, जनता उसकी आलोचना करती है, मजाक उड़ाती है या उनके विरुद्ध काम करती है जो ऐसे जो आम परंपरा से हटकर विचार देते हैं। तो फिर उसने कहा कि यहाँ पर मिलने कहना था कि उसने कुछ उदाहरण दिए कि जिसने पहले जैसे कोपरनिक वगैरह थे जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले ये बताया कि भाई धरती जो है वो सूर्य के चारों तरफ घूमती है, जबकि पहले ये धारणा था कि सूर्य चारों तरफ घूमता, तो उसका विरोध किया गया था और उसको सजा का की देने की बात आ गई थी, लेकिन उसने अपनी बात माफ़ी मांग ली थी। तो इससे कुछ ये बात, लेकिन बाद में साबित उसकी बात सही हुई। तो उसने कहा हो सकता है कि जो परंपरा से हटकर बात कहे आज हम उनसे असहमत हों, लेकिन उसकी बात कभी साबित भी हो सकती है, कभी सही भी साबित हो सकती है। तो हमें किसी को अपने विचार प्रकट करने से नहीं रोकना चाहिए, जिसमें प्रेस की फ्रीडम भी शामिल है और अपनी लेखन लिखने के माध्यम, क्योंकि अपना विचार कोई व्यक्ति किसी भी तरीके से हो सकते हैं, बोल के या कोई फिल्मों के माध्यम से या फिर किताबों के माध्यम से या मीडिया के माध्यम से किसी भी तरह से विचारों की अभिव्यक्ति। तो यहाँ पर वो पूर्ण स्वतंत्रता देता है सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन में। अदर रिगार्डिंग एक्शन की जो बात करता है उसमें कहता है कि कुछ काम ऐसे हैं जो दूसरे के लिए नुकसानदायक है, कुछ काम दूसरे के लिए नुकसानदायक नहीं है। अब इनको अदर रिगार्डिंग एक्शन को दो हिस्सों में बांटता है, दूसरे के लिए जो हार्मफुल है या दूसरे के लिए जो हार्मफुल नहीं है, या दूसरे के लिए जो बाधा पहुंचाते या नहीं पहुंचाते। तो इसमें भी ये कहता है जो दूसरे को बाधा नहीं पहुंचाते वहां पर भी उसको नहीं रोकना चाहिए। अगर वो दूसरे तब दूसरे के लिए बाधा उत्पन्न करते हैं या दूसरे पर गलत असर पड़ता है तो वहाँ उसके एक्शन को रोका जा सकता है। तो ये एक्शन के रिगार्डिंग में दो हिस्सों में बांट के एक हिस्से को उसने स्वतंत्रता दे दी, दूसरे को नहीं दी, लेकिन सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन में उसको पूरी स्वतंत्रता उसने व्यक्तियों को देने की बात की है। लेकिन इसके बहुत आलोचना की जाती है। एक आलोचना ये की जाती है कि उसने जो है स्टेट इंटरफेरेंस इन इंडिविजुअल लिबर्टी वो एक बार अलाउड कर देते हैं। ये कहते हैं कि अगर आप एक बार आपने किसी भी बहाने से ये कह दिया कि अदर रिगार्डिंग एक्शन में मान लो स्टेट इंटरफेयर कर सकता है, तो उस एक्शन में भी फिर अब उसको डिफाइन कौन करेगा कि अदर रिगार्डिंग है। एक आदमी शराब पीता है, वो कहता है कि मेरा अपना डिसीजन है, अपने ऊपर प्रभाव पड़ता है, लेकिन इनडायरेक्टली उसके परिवार पर भी प्रभाव पड़ सकता है या देखने वाले उससे प्रेरित होकर शराब पीने लग जाते हैं तो किसी न किसी तरह से, या फिर उसका अपना शरीर खराब होता है तो राज्य के संसाधनों पर बोझ पड़ता है इलाज के लिए। तो कई तरह से अब इस बात को डिसाइड करना इतना आसान नहीं होगा बिल्कुल भी कि ये सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन है या अदर रिगार्डिंग है या दूसरे को हार्मफुल है या नहीं है। तो इसमें अगर एक बार आपने सरकार को अधिकार दे दिया कि आप इंटरफेयर कर सकते हो तो फिर उसकी लिमिट कोई नहीं है। इसीलिए इसी आधार पर जो प्रोफेसर बारकर ने कहा था कि वो खोखली स्वतंत्रता का प्रतिपादक है, उसकी स्वतंत्रता में कोई दम नहीं है। एक उसने जो ये कहा था जो स्वतंत्रता, इतनी सारी बातें उसने कही हैं स्वतंत्रता के बारे में, ये सिर्फ वेस्टर्न कंट्रीज के लिए कही हैं। हमारे जैसे लोगों के लिए जो उस टाइम पर जो हम भी अंग्रेजों के गुलाम थे या एशिया अफ्रीका लोग थे, उनके लिए उसने इस तरह कोई बात नहीं कहा। ये तो जाहिल लोग हैं, ये तो असभ्य हैं एक किस्म से, और इनको ये स्वतंत्रता नहीं दी जा सकती, इनको तो गुलाम बना के रखना, उनको किसी तरह की स्वतंत्रता नहीं देनी है। तो यहाँ पर मिल का जो बिल्कुल एक बायस्ड नज़रिया है वो हमारे सामने आता है, जिसकी हम उस आधार पर एक आलोचना भी करते हैं। फील्ड ऑफ एक्शन में उसने इतनी ज़्यादा आज़ादी नहीं दी जितना उसने आइडियाज के फ्रीडम में जो आज़ादी दी है, इसमें उसने काफ़ी प्रतिबंध लगा दिए हैं।
और उसने कहा था कि फ्री प्ले जो होगा, इंडिविजुअल को जितना ज्यादा फ्री प्ले की बात करोगे तो उससे इनइक्वलिटी आएगी। जैसे मार्क्सिस्ट विचारक कहते हैं कि राज्य के इंटरफेयर जितना कम होगा तो लोगों में जो इनइक्वलिटी है वो ज्यादा बढ़ती जाएगी। एक अफर्मेटिव एक्शन के द्वारा ही स्टेट जो है वो इनइक्वलिटी को खत्म कर सकती है। तो यही सात आरोप पर उसके स्वतंत्रता संबंधी विचारों की आलोचना की जाती है। राज्य के बारे में इसने क्या कहा है कि राज्य जो है, स्टेट इज द प्रोडक्ट ऑफ द विल ऑफ पीपल फॉर द प्रमोशन ऑफ देयर इंटरेस्ट। उनके हितों की पूर्ति करने के लिए राज्य की इच्छा, व्यक्तियों की इच्छा से राज्य की स्थापना हुई है। और उसने नेगेटिव कैरेक्टर को जो है वो नहीं बात कही, उसने पॉजिटिव कैरेक्टर की बात की कि इंटरफेरेंस होना चाहिए फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी, व्यक्ति के स्वतंत्रता के लिए राज्य का इंटरफेयर किया जा सकता है। ये जो पॉजिटिव नेगेटिव लिबर्टी की बात की जाती है, स्टेट के जो एक्शन की बात की जाती है, जो लिबरलिस्ट कहते हैं कि राज्य के गति का काम कम से कम होने चाहिए, और दूसरी तरफ जो सोशलिस्ट या मार्क्सिस्ट कहते हैं तो राज्य के या वेलफेयर स्टेट के जो समर्थक हैं वो राज्य के ज़्यादा कामों की बात करते हैं। फिर बाद में जो और विचारक हुए, टी एच ग्रीन वगैरह, उन्होंने फिर पॉजिटिव की तरफ बढ़ते चले गए थे। रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट के बारे में उसने कहा था कि जो गुड गवर्नमेंट का जो क्राइटेरिया है वो कि मस्ट प्रमोट द वर्चुअल इंटेलिजेंस ऑफ द पीपल एंड इफिशियंसी सेकेंडरी। इफिशियंसी सेकेंडरी है और इंटेलिजेंस और जो गुणों का विकास करना वो जरूरी है। इफिशियंसी जबकि बेंथम जो है इफिशियंसी पर ज़्यादा जोर देता था। और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट को बेस्ट फॉर्म मानता है, मतलब डिक्टेटरशिप से या ऑटोक्रेसी से, ओलिगार्की से, इनसे सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट को बेटर मानता है। लेकिन बैकवर्ड क्लास के लिए यहाँ भी वो फॉलो नहीं करता। वो बैकवर्ड क्लास यानी कि जो गुलाम थे, जैसे हमारे जैसे देश थे, उनके लिए वो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट को रिकमेंड नहीं करता। उनको कहते हैं, इनको तो कॉलोनियल रूल के अंदर ही रहना ठीक है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बात की है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब यहाँ हमारे यहाँ तो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है, हर एक एक व्यक्ति को एक वोट मिलती है और जो ज़्यादा वोट मारता है वो चुनाव जीत जाता है। लेकिन प्रोपोर्शनल सिस्टम में क्या होता है, जिस अनुपात में वोट मिलते हैं उसी अनुपात में सीटें भी मिलती हैं। तो इसी कई देशों में ये मेथड अपनाया जाता है, तो उसी मेथड को ये वकालत करता है। वेटेज वोटिंग की बात करता है। वेटेज वोटिंग है, यहाँ तो सबके लिए इक्वल वोटिंग है, सबके लिए एक वोट डालने का अधिकार है। वेटेज वोटिंग होता है जो ज़्यादा योग्य होता है, ज़्यादा अमीर होता है, या ज़्यादा पढ़ा लिखा होता है, या ज़्यादा सक्षम होता है किसी काम में, ज़्यादा टैक्स देता है, तो उस आधार पर उसके वोट की कीमत बढ़ा दी जाती है और किसी की कम कर दी जाती है। तो वेटेज वोटिंग का समर्थन करता है। पब्लिक वोटिंग की बात हमने कह दी थी कि खुले मतदान की बात करता है। इक्वल ट्रीटमेंट की बात करता है, महिलाओं को समान ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। और वो पार्लियामेंटेरियन को जो वेतन मिलता है उसका बिल्कुल विरोध करता है, उनको किसी तरह का कोई वेतन नहीं दिया जाना चाहिए। और उसने कहा कि रिप्रेजेंटेटिव जो है, जो सिर्फ लोगों की जो इच्छा है सिर्फ उसी के अनुसार उसको नहीं चलना चाहिए, लोगों की इच्छा देखकर ही काम नहीं करना चाहिए, बल्कि उनको मैटर के देखना चाहिए, अपनी इंटेलिजेंस के आधार पर फैसला लेना चाहिए कि ये बात ठीक है गलत है, क्योंकि जनमत गलत बात का भी समर्थन कर सकता है। तो उस बात का इसने कहा है ये बात होनी चाहिए। डेमोक्रेसी के बारे में, गुड डेमोक्रेसी, बेड डेमोक्रेसी, जो जनता के हित में काम करते, जो इसने बात बताई है रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की, अगर ये सुविधा है तो उसको गुड डेमोक्रेसी मानता है, अगर ये फीचर्स नहीं है या जनता के हित में काम नहीं करते, करप्ट है, तो उसको बेड डेमोक्रेसी की कैटेगरी में रखता है। मैन ऑफ इंटेलिजेंट रूल फॉर द कॉमन गुड इज ट्रू डेमोक्रेसी, जहाँ पर इंटेलिजेंट जो लोग हैं वो जनता के हित के लिए जो काम करते हैं, अपने हित के बजाय, अपने स्वार्थ के बजाय, जनहित में जो काम करते हो, ट्रू डेमोक्रेसी उसको बोलता है। और यही बात उसने यहाँ पर कह दी कि नॉट सूटेड टू इमेच्योर एंड बैकवर्ड सोसाइटी, तो पिछड़े और लोग जो हैं, जो एक किस्म से ईस्टर्न के लोग, एशिया अफ्रीका के लोग हैं, उनको जो पिछड़े मानता है, तो उनके लिए डेमोक्रेसी उनको सूटेबल नहीं मानता। तो ये विचार थे मिलके विभिन्न विषयों के बारे में। धन्यवाद।